अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, क्या हाल है सबका। आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। वैसे तो हर एक दिन इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन मेरे कुछ दिन बहुत इम्पोर्टेंट दिन होते हैं। तो आज का दिन ये है कि मैं अपने बेटे को जा रही हूँ वापस छोड़ने के लिए, और 4 hours टू गो एंड 4 hours टू कम बैक। और रोजे में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। उसको आ रही है नींद, मैंने उसको सुबह जल्दी उठा दिया था। चलें इसको ड्रॉप करके वापस आते हैं, फिर देखते हैं कि आज का क्या प्लान होगा। आई विल सी यू सून। यहाँ पे ये लाहौर रोड यहाँ पे कैसे आ गई? अरे ये लाहौर रोड यहाँ पे कैसे आ गई? ये मेरी नजर पड़ी है इस घर के ऊपर, ये देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जलालाबाद। एंड जी, बेटे को मैंने कर दिया ड्रॉप, लेकिन अब एक बहुत बड़ा मसला हो गया। मसला ये है कि दोपहर के 1:30 बज रहा है और मुझे शदीद नींद आ रही है। मैं अभी ड्राइव कर रही थी तो मैं ऐसे ऐसे ना हचकोले ले रही थी। तो अब प्लान ये है कि मैं अपनी गाड़ी को कहीं पे सेफ जगह पे पार्क करके मैं थोड़ा सा छोटा सा जल्दी से नैप ले लूँगी और अलार्म लगा लूँगी ताकि मैं उठ जाऊँ टाइम पर। और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने छोटा सा नैप कहाँ पर लेना है। मुझे वाकई में आ रही है नींद, ठीक है ना। या तो मैं यहाँ इस दरख्त के नीचे थोड़ी देर चादर बिछा के सो जाऊँ, लेकिन मेरा ये प्लान है कि गाड़ी में मुझे सोना है, ठीक है ना। तो हम अपनी गाड़ी को अभी खोल लेते हैं। आई होप कि मुझे कोई आके डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब इस जगह पे हम बना लेते हैं अपना बेड। ये यहाँ पे एक स्पेस बन गई है खुली, और यहाँ पे अब मुझे लेट जाना। ओके, ये राजी मेरा पिल्लो, ये मैं हमेशा गाड़ी में रखती हूँ, कहीं पर भी जाना होता है तो ऐसे करके बस। ये आ गया मेरा पिल्लो। और अगर आपने देखना है कि मैं कैसे लेट गई हूँ, ये देखें जी, ये मेरी गाड़ी में है, ये मैंने अपनी जैकेट ले ली इसके ऊपर, और ये मेरे पाँव आ गए हैं, यहाँ तक पूरे आ गए हैं, और पीछे का डोर मैंने बंद कर दिया है। मुझे बहुत नींद आ रही है यार, मैं आपको 1 घंटे बाद मिलती हूँ। बहुत मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया भाई। गाड़ी में मुझे किसी ने आके तंग नहीं किया, ये अच्छी बात है कि थोड़ी सी मुझे थोड़ा सा होश आ गया अब मुझे। मेरी गाड़ी ड्राइव हो सकती है। चलो जी चलें, वरना देर हो जाएगी रात को। अभी ये दिखा रहा है 3 hours 28 minutes और टाइम हो रहा है 2:54। घर पहुंच के मैं आपको बताती हूँ कितने बजे मैं पहुंच।
बस मैं पहुंच गई हूँ घर अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब 6:18 पे आ गई हूँ। तो अब 2-2.25 घंटे हैं अफ्तारी में, तो बस मैं आपको मिलूंगी फिर अफ्तारी के टाइम पे। लेकिन अभी मैं शेरू को ढूंढ रही थी गार्डन में, ये बैठा हुआ है और ये देखें, ये अपनी बिल्लियों के आँखों में आँखें डाल के तो उन्हें गार्डन में नहीं आने देता। एंड देन ही मेक्स श्योर कि वो चली गई हैं हमारी गार्डन में से। और यहाँ पे इसका सीक्रेट एग्ज़िट भी है शेरू का, दूसरे गार्डन में जाने के लिए जहाँ ये बैठा हुआ है। है बहुत होशियार है बहुत, इससे इतनी बड़ी बड़ी बिल्लियाँ आ जाती हैं लेकिन उनकी आँखों में आँखें डाल के उनके सामने जाके खड़ा हो जाएगा। ये देखें, ये अब मेक श्योर कर रहा है कि वो चली गई है। मज़ेदारी की बात यह है कि एक जाती है तो दूसरी आ जाती है। ये देखें यहाँ पे दूसरी बिल्ली, ये देखें ये आ गई। और सब इतना प्यार करती हैं शेरू से कि बस आके इसी गार्डन में आना होता है इन्होंने, और आके लड़ाइयाँ भी होती हैं फिर इनकी। अभी देखना यहाँ पे बड़ा अच्छा सीन आपको नज़र आएगा, देखते रहें बस। हमारे राइट हैंड साइड में एक डॉग भी है, अभी देखें ज़रा क्या होगा। दोनों भागे, शेरू घर में अंदर भागे और वो बिल्ली जो है वो उस साइड में भागी है। वो देखें कितना बड़ा डॉग है। यहाँ मैंने ले लिया है मिक्स फ्रूट, एप्पल था, बनाना है और ऑरेंजेस हैं। और बस ये मिक्स फ्रूट में मैंने दूध और शुगर डाल दिया है, इसको बना के रख लूँगी इफ्तारी के टाइम तक के लिए। और ये मैंने दही भल्ले जल्दी से बना लिए हैं, ये चापड़ी चाट कल की पड़ी हुई थी और इसके साथ ये फ्रूट चाट भी कल की है। तो ये बस मेरा बंदोबस्त हो गया। ये मैंने समोसे हैं और पैटिस हैं और ये कुछ मैंने जल्दी से तल लिए हैं। और ये मेरा जूस का ग्लास बन गया। तो अब मैं मिलती हूँ आपको अफ्तारी के टाइम पे। जाना मत, आई एम कमिंग बैक। जी बस अफ्तार का टाइम होने वाला है, सिर्फ 15-20 मिनट रह गए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो को एंड कर लूं और क्या। और मुझे ये कहना था कि समटाइम्स हम प्लान कुछ बनाते हैं और हो कुछ जाता है। अब मैंने कहा था कि मैं रमज़ान में वीडियो नहीं बनाती हूँ, नॉर्मली मैं नहीं बनाती हूँ, लेकिन अब ये इमरजेंसी हो गई क्योंकि इसे मुझे छोड़ने के लिए भी जाना था। तो मैंने सोचा कि चलो अभी वीडियो बन गई है तो मैं इसको फ़ौरन ही अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि रमज़ान के बाद वेट करना जो है वो फिर मज़ा नहीं आएगा इस वीडियो को देखने का। तो हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि हम प्लान कुछ बनाते हैं और हो कुछ जाता है। समटाइम्स ये होता है कि मेरी स्ट्रेटजी होती है एक प्लान की कि मैंने इसको ऐसे 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 करना है और मैंने इस चीज़ को ऐसे अचीव करना है। अब जब वो सारी चीज़ें हो जाती हैं तो उसका रिज़ल्ट जो है वो कुछ और निकल आता है। तो ये चीज़ है कि मुझे बहुत शॉकिंग लगती है कि देखो हम प्लान क्या करते हैं और ऊपर वाले ने हमारे नसीब में क्या लिखा होता है। तो ऑलवेज रिमेम्बर कि आप कोशिश कर सकते हैं और जो रिज़ल्ट होगा वो ऊपर वाले ने आपके लिए देना है। अगर आपके फेवर में अच्छा है तो आप कामयाब हो जाएंगे, अगर आपके फेवर में अच्छा नहीं है तो अल्लाह ताला अपने अच्छे लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखता है। और जब भी आप किसी काम में नाकामयाब हों तो आपने डिसहार्ट नहीं होना, आपने अपने आप को मजबूत रखना है। बस आप ये कह के शुक्र कर लें और सब्र कर लें कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है, तूने मेरे हक में बहुत अच्छा कर दिया। बस इस जुमले को आप बोल के फिर इस चीज़ को आप भूल जाएं कि आप फेल हो गए थे, ये हो गया था, नुकसान हो गया था या कोई आपसे नाराज़ हो गया है। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमें गैब का इलम नहीं होता और हमें नहीं पता कि इस चीज़ का हिडन पीछे वजह क्या है जो ये चीज़ हुई है। तो मतलब थोड़े टाइम के बाद, लाइक 4-5 ईयर्स, उस चीज़ का जो है रिज़ल्ट भी सामने आ जाता है कि अच्छा ये जो चीज़ उस वक़्त ऐसे हुई थी, उस वक़्त ऐसे इसलिए हुई थी
क्योंकि इसने अब आके ऐसे होना था. तो एवरीथिंग इज रिलेटेड विद ईच अदर थिंग्स, है ना. तो बस अल्लाह ताला के ऊपर हर काम आप अपना छोड़ दें, वही मुश्किलें भी लेके आता है और वही उन मुश्किलों को हल भी कर देता है. आप देखें, आपके ऊपर अगर कोई भी मुश्किल आई हो तो आपने कभी कोई मुश्किल खुद से हल की है? नहीं, ऊपर वाला हल करता है, वही मुसब्बबुल असबाब बना देता है, वही एक टाइम मुकर्रर है हर चीज़ के होने का. तो वही आपके मसले भी हल करता है. तो इसलिए जब कोई भी मुश्किल आए, परेशानी आए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट रिलैक्स, चिल, कि ठीक है, ऊपर वाला बैठा हुआ है, वो खुद हल कर देगा. लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप उस मसले को छोड़ ही दें हल करना, आप हाथ पांव मारने छोड़ दें. नहीं, यू हैव टू डू योर पार्ट, है ना, कि एक मसला हो गया है तो आपने उसको कोशिश करना है हल करने की. ये नहीं कि आप टाइम के ऊपर छोड़ दें और वो मसला जो बना था वो माजी में जाते 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 उसके ऊपर मिट्टी कट्टा पड़ गया, वो ना किसी ने उस मसले को हल किया और ना कुछ, वो मसला वैसे का वैसे ही लटका रहता है. 10 साल गुजर जाते हैं, 15 साल गुजर जाते हैं, कोई बंदा उसके ऊपर बात ही नहीं करता. दिस इज़ वेरी बैड, दिस इज़ वेरी रॉन्ग. अगर कोई मसला हुआ है उसको फौरन उसी वक्त बैठ के आप उसको हल करने की कोशिश करें. कोशिश आप करें, मदद करने वाला ऊपर बैठा हुआ है. और इसके साथ ही मैं आज अपने प्यारे प्यारे भाइयों को एक वजीफा बताने वाली हूँ कि उन्होंने घर में कैसे खुश रहना है. क्योंकि क्वारंटाइन में बहुत सुना है कि यहाँ इवन यहाँ यूके में न्यूज़ पे आया था, बीबीसी न्यूज़ पे आया था कि डोमेस्टिक लेवल बहुत हाई हो गया है, आपस में लड़ाई झगड़े, क्योंकि पुलिस को जितनी भी कॉल जाती हैं वो रिकॉर्ड होती हैं. तो बीबीसी न्यूज़ पे आया था कि डोमेस्टिक यहाँ पे बहुत लेवल हाई हो गया है. तो मैं अपने प्यारे प्यारे से भाइयों को एक वजीफा बताने जा रही हूँ, आप पढ़ें उसे, तो इंशाल्लाह देखें आपकी लाइफ कितनी खुश हो जाती है. उसको पढ़ने के लिए मुझे सबसे पहले अपनी आंखें लगानी पड़ेंगी, 2 की 4 करनी पड़ेंगी मुझे अपनी आंखें, तो फिर ही मज़ा आएगा ना पढ़ने का. अच्छा जी, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, इतना आसान वजीफा है कि उठते बैठते बस आप पढ़ते रहो, पढ़ते रहो बस आप अपनी वाइफ के सामने ऊंची आवाज़, बुलंद आवाज़, ठीक है ना, ताकि आपकी वाइफ को वो सुनाई दे. और जब वो आपकी वाइफ को सुनाई देगा वो वजीफा, तो वो खुश हो जाएगी. ठीक है जी, चलें जी. इसके लिए आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि आप वजू में हैं, आप नहीं हैं वजू में, आपने नमाज पढ़नी है नमाज के बाद, इसकी कोई पाबंदी नहीं है. बस उठते बैठते आपने इसको अपनी वाइफ के सामने जो है ना पढ़ते रहना. ओके जी, रेडी? सबसे पहले ऑलराइट. तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, 3 दफ़ा. काम भी कितना करती हो, 3 दफ़ा. थक जाती होगी, 3 दफ़ा. अपना ख्याल रखा करो, 3 दफ़ा. तुम्हारे मैके वाले कितने अच्छे हैं, 5 दफ़ा. एक काम वाली और रख लें, 1 दफ़ा. इसको ज़्यादा नहीं अपने पढ़ना, समझ आई ना, वरना उल्टा असर हो जाएगा. ये आपने 1 दफ़ा बोलना है. और बस कोशिश करें कि जितना आप इसको पढ़ सकते हैं आप पढ़ें, आपके हालात बहुत अच्छे रहेंगे, आप खुश रहेंगे, आपकी वाइफ भी खुश रहेगी, बच्चे भी खुश, हंसी बसी आपकी ज़िंदगी सारी गुजर जाएगी. और मुझे दुआएं देना मत भूलना, क्योंकि मैंने ये वजीफ़ा आप भाइयों को बताया है. तो बस टाइम हो गया मेरे इफ्तार का. तो हाँ, एक मैंने वीडियो आपके लिए बनाई है, ईद वाले दिन मैं रिलीज़ करूँगी. और क्वेश्चन आंसर की वीडियो आ रही है ईद वाले दिन. जी, पहले मैंने कहा था ईद से 1 दिन पहले, लेकिन नहीं, अब मैं उसको ईद वाले दिन रिलीज़ करूँगी. एक वो वीडियो बनी है, रेडी है, बिल्कुल रेडी, तैयार है. और उससे पहले मेरा ख्याल में 1 या 2 और वीडियोज़ हैं जो रमज़ान से शायद पहले की बनी हुई हैं. मैं कुछ ना कुछ अपलोड करती रहूँगी. ओके, डोंट वरी, कुछ ना कुछ आता रहेगा. बस जी, आज के लिए इतना ही था. और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें. और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी. नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.